ममिता हत्यार तदंत दाबी कलाहांडी जिलापाल अफिस् सम्मुखें गण धारणा कलाहांडी गोला मुंडा ब्लक महालिंग सनसाइन अध्यक्षा ममिता मेहन हत्याकांड को राज्य आलोड़न सृष्टि हत्याकारी गोविंद साहू सह राज्य गृह विभाग राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र निबिड़ संपर्क नहीं चर्चा जोर धरी। महालिंग हत्या घटन गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र संदेहजनक भूमिका जो मंत्री पदर बहिष्कार करने हाइकोर्ट प्रत्यक्ष तत्वधान स्वतंत्र तदंतकारी दल द्वारा तदंत परिसर भुक्त कर तदंत करने हत्यार शिकार होता ममता पर एक कोटी टंका क्षतिपूरण और परिवार जन को सरकारी चाकरी रे निजुक्ति देवा दाबी ने सीपीआईएम जिला कमिटी संपादक विश्वजित चाटर्जी सीपीआई जिला कमिटी संपादक पूर्णचंद्र प्रधान सीपीआई राज्य कार्यकारिणी सभापति दामोदर बेहरा अगस्त नायक रानी मती छत्रिया प्रमुख कलाहांडी जिलापाल जरिए महामहिम राज्यपाल उद्देश्य दाबी पत्र प्रदान करने सहित यार कौन समाधान न हुए तेज आंदोलन आहरी तीव्रतर हो चेतावनी। दामोदर बेहरा सीपीआई राज्य कार्यकारी कमिटी सदस्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएमएल फॉरवर्ड ब्लॉक सीपीआईएम चारिटी वामपंथी दल आह्वान में भवानीपाटना ठारे जिलापाल ऑफिस सम्मुखें कलाहांडी जिलार गोलामुंडा ब्लॉक महालिंग ठारे ममिता मेहर जी सनसाइन स्कूल अध्यक्षा थिले सेठी सेक्स रैकेट चलुला जो सेक्स रैकेट रे पर्दाफाश करने लगी ममिता मेहर गोविंद साहू को कही मुँह ते बर्बाद करदेवी बोली कही से कथा को बाहर न पड़ापी गोविंद साहू ऊपर लोकों षड्रे चक्रांत ममिता साहू को तंटी चिपी हत्या करते ममिता मेहर को हत्या करते जी टिक टिक कर एवं शेषे निआ लगे पड़ी थे। ये विभत्स हत्याकांड विरुद्ध आज कलाहांडी जिले में वामपंथी दल मान तरफ ये गणधारणा अनुष्ठित हो भविष्य में ये ममिता मेहर हत्याकांड पर्दाफाश ना या प्रच्छद पटे जो मैंने खड़नायक अच्छा जो मैंने पुलिस को इंगित कर कथा को चपाई देवाई से कथा को आमे बाहर पकेबापी ए आंदोलन सीपीआई आगे को नब वामपंथी दल मैंने आगे को ने जनगण ये आंदोलन ने कलाहांडी जनसाधारण एक कथा को बर्दास्त करेंगे। कलाहांडी जिलार गोलामुंड ब्लक ममिता मेहर ममिता महाविद सनसाइन विद्यालय जो घटना घटी सारा ओडिशा चर्चित जो बलांगीर डिस्ट्रिक्टर कंटाबांजी ब्लक ममिता मेहर झरनी गाँव तांगे जो घटना घटी ताकू जो मर्ममहित जघन्य दंड दि माने जघन्य हत्या करा जाए से गोविंद साहू को तुरंत गिरफ तो हो सारी एमती दंड दिंतु फाँसी दे तो से सबको फाँसी दि जाऊक पुरुष को फाँसी दि जाए कि एमती दंड दिंतु जड़े पुरुष ताकू शहे थर चिंता करब जड़े नारी विषय चिंता करब खराब दृष्टि देवा जघन्य अपराध करवाक जदि संविधान नहीं तेल संविधान बदलांतु संविधान चेंज करूँ आपण मैंने जो सरकार अच्छा बीजेडी सरकार नेता मान अच्छा मंत्री मान अच्छा संप्रति हाथ अच्छी संपूर्ण भाव में हाथ अच्छी बोली आज पुलिस नीरव जनसाधारण भी नीरव सब नीरव से लगे मुझे अनुरोध करुच्ची ओडिशा सरकार को जे से मैंने केस को दबाई दिंतनी आज्ञा आम घर भी झील मैंने अच्छा सबू आपण मान झी आपण मान बहुनी भौनी जदि एक केस को दबा दिया जाए रफा दफा करा दिया जाए तो महिला को बहुत असम्मान हे नारी जाति को बहुत असम्मानित हो तेणु अनुरोध करुच्ची जी भी ता पछरे अच्छी गोविंद साहू की एमती दंड दि जाऊ शहे थर चिंता करब जड़े नारी को आंगूठे उठाइबा को जड़े नारी को एमती जघन्य हत्या करवा लगे। वर्तमान परिस्थिति मीडिया बंधु मान द्वारा ओडिशावासी कौन भारतवासी जान सारे कि प्रकार भाव में नवीन सरकार ममिता मेहर जो हत्याकांड को जो घोड़ेबार प्रयास चली घोड़ेबारे नवीन सरकार रो मंत्री अच्छा जंत्री अच्छा एवं तांकर सहयोगी माने अच्छा तेणु आम कम्युनिस्ट पार्टी रो
କୌଣସି ସିପିଆଇ ହଉ, ସିପିଏମ୍ ହଉ, ସିପିଏମ୍ଏଲ୍ ହଉ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଇଏ ହଉ, କୌଣସି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ମମତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାବି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ଏସ୍ଆଇଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ, ଆଉ ଏସ୍ଆଇଟି ଏହି କେସ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ସିପିଆଇ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଯାଉଛି ଯେ ମମିତା ମେୟରର ପରିବାରକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 2 କୋଟିର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଦ ଦେବା ବେଳେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖୁଛୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ପୁରା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି। ତା ପାଇଁ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ତଲାସୀ କରିବାରେ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସରକାରର କଥା ଶୁଣୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସନତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।